मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो चैनल पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो उपयोग है, सदुपयोग है, एक सही उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग हर एक चीज़ में, प्रोडक्शन से लेके हर एक चीज़ में, हेल्थ से लेके बैंकिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब में इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। इसके माध्यम से एक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो रही है सभी के लिए बहुत ही कम समय में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो आपका यूज़ है, सदुपयोग है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप थंबनेल डिजाइनिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। कई एप्लीकेशंस हैं, चैट जीपीटी है, तो थंबनेल डिजाइनिंग हुआ, वॉइस एडिटिंग के लिए आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग। और फिर उसके बाद थंबनेल डिजाइन अच्छे से कर सकते हैं और वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत अच्छे से प्रयोग यूट्यूब में किया जा सकता है। और उसके बाद आप सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो उपयोग है वो बेहतर कंटेंट बनाने में कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में भी अच्छे तरीके से आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग कर सकते हैं अच्छे थंबनेल, अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और उसके बाद जो कमेंट्स हैं उनको फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कर सकते हैं। आप लोग व्यूवर्स तक पहुंचने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत उपयोग है पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद फिर इसी में ओपन एआई है, इसका उपयोग आप लोग अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ओपन एआई जिसे कहते हैं, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने उस पर कर सकते हैं अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, एक आकर्षक एक कंटेंट बनाने के लिए, अच्छे व्यूज़ पाने के लिए। और इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दुरुपयोग भी पूरे विश्व में हो रहा है, आप किसी इसमें जो है जो दुरुपयोग करने वाले किसी की फ़ोटो को एडिट करके उसके बाद उसके थ्रू गलत काम करते हैं, पैसे धन उगाही का काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू फ़ोटो को एडिट करके। तो ओपन एआई जो आपका है ये इसका दुरुपयोग भी बढ़ा हुआ है और सदुपयोग तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सभी लोग इसका सदुपयोग कीजिए, इंटरनेट के थ्रू आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपका है और आप लोग इंटरनेट के इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक एरियाज में अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो उपयोग है वो बहुत ही ब्रॉड है, आप इसका उपयोग हर एक चीज़ में कर सकते हैं। इससे आपको कम समय में अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, तो आप टाइपिंग में इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका यूजर्स हैं वो आपके गुड यूजर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोग अच्छे से इसका उपयोग कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। थैंक यू सो मच। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।